जोहार झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। रामगढ़ पतरातु बड़का सयाल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए संतोष पाठक के नेतृत्व में विगत 3-4 वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है। कई बार धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। ओवरलोडिंग और रेलवे साइडिंग में हो रहे प्रदूषण से मुक्त करने के लिए संतोष पाठक ने सूचना अधिकार का उपयोग किया है। इस संबंध में उन्होंने अपील वाद प्रदूषण नियंत्रण पार्षद में दायर की है। पुनः आज धरना प्रदर्शन किया गया। संतोष पाठक ने रामगढ़ जिला के वैसे 19 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई है जो प्रदूषण फैला रहे हैं। भुरकुंडा से संवाददाता गुड्डू पांडे का रिपोर्ट। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का समाचार आपको मिलता रहे तो पहले रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। यह निशुल्क है। कॉन्फ्रेंस का कल की मामला फैक्ट्री द्वारा दूषित हवा तथा ओवरलोडिंग के संबंध में, और ऐसा है कि विगत 3-4 वर्षों से ये आंदोलन होते आ रही है। इसमें ना सरकार कुछ एक्शन ले रही है, ना ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय यहाँ का सांसद महोदय, माननीय यहाँ के विधायक लोग सब चुप्पी साधे हुए हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ द्वारा दूषित हवा ओवरलोडिंग के द्वारा भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में जो जितने भी डस्ट उड़ रहे हैं, उसके विरोध में मैं आज विगत 3-4 वर्षों से आज मैं आंदोलन करते आ रहा हूँ। कल जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो लगभग बढ़ चढ़ के हिंसा उनके पूरे भुरकुंडा कोयलांचल क्षेत्र के, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सभी ये भागीदारी बनने जा रही है। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम संतोष पाठक हुआ। डस्ट उड़ रही है, डस्ट के कारण है तैसे बीमारियाँ फैल रही है। प्रदूषण के यहाँ बहुत बीमारी है, महामारी है, बीमारी भी हर तरह की नली है, हर चीज़ का कचरा है। प्रदूषण तो पूरा फैला हुआ है और ऊपर से देखिए यहाँ ब्याज जो छूट गई है। हम लोग 70-80 साल से यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, आज हम लोग का रोजी रोजगार छीन चुका है और सरकार की नज़र हम लोग के घरों पर है, घरों पर है। अगर घर टूट जाता है हम लोग बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सरकार को इसके बारे में 1 महीने अंदर में ऐसा लेने बोलिए, कोई प्रमाणित दीजिए, हम लोग कोई जगह दीजिए, तभी हम लोग घर पर नज़र डालें। अगर कोई 1 महीने के अंदर में एक्शन नहीं लिया जाएगा, हम लोग पूरे परिवार, पूरे मोहल्ले वासियों सभी आत्मदाह कर लेंगे। जवान जवान बाल बच्चे लेकर हम लोग कहाँ जा सकते हैं? अभी आप लोग कहीं किसी के पास गए मिलने के अधिकारी के पास? सभी पास गए हुए हैं। क्या बोला? कोई सुनवाई नहीं है, कहीं का सुनवाई नहीं है, हर जगह दरवाजे ठटका रहे हैं, दुकान को धक्का दिया है।